हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अबाउट दी वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कि लो टेम्परेचर चाहिए रहता है फॉर फ्लावरिंग। मतलब अगर आप उनको लो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो फ्लावर नहीं कर सकते। आपको उन्हें क्या करना पड़ता है, लो टेम्परेचर देना पड़ता है और इसको हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। ओके, सो मेनी प्लांट्स दे डू नॉट फ्लावर बिफोर दे एक्सपीरियंस द लो टेम्परेचर। तो उनको हमें क्या देना पड़ता है, लो टेम्परेचर देना पड़ता है, तभी जाकर वो क्या करते हैं, फ्लावर करते हैं। सो वर्नलाइजेशन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। क्वालिटेटिव का मतलब है, क्वालिटेटिव मीन्स हाउ मच, कितना। जैसे कि मान लीजिए 6 डिग्री से कम चाहिए, लेस देन 6 डिग्री चाहिए, तभी वो क्या करेगा, फ्लावर करेगा वो प्लांट। क्वांटिटेटिव का मतलब है फॉर हाउ मच, लाइक फॉर हाउ मेनी डेज। जैसे कि ये जो टेम्परेचर है 6 डिग्री, उसको कितने दिन तक चाहिए एटलीस्ट फ्लावर करने के लिए। सो ये कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स रहती है। ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर करेंगे ओनली जब उनको लो टेम्परेचर मिलेगा, उनको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज वर्नलाइजेशन। ओके, सो वर्नलिन जो है, दैट इज़ द कंपाउंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्नलाइजेशन स्टिमुलस। एंड ये कहाँ पे बनता है, मेरिस्टमैटिक रीजन में बनता है। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं, फ्लावर इंडक्शन ऑन द वर्नलाइज्ड प्लांट। आपके पास यहाँ पर सेवरल जीन्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, FLC जीन विच इज़ फ्लावर लोकस सी जीन, जो कि क्या है, रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को रोकता है ये जीन, अगर एक्सप्रेस होगा तो ये फ्लावरिंग को रोक देता है। देन यू हैव द FL जीन विच इज़ फ्लावर लोकस टी जीन। ओके, सो FLT भी बोल देते हैं या फिर इसको सिंपली FT भी बोल देते हैं। तो ये जो जीन है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज SOC1। दिस SOC1 क्या रहता है, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस 1। यानी कि जो जीन है वो शूट एपिकल मेरिस्टम में प्रेजेंट रहेगा। फिर आपके पास VRN2, ये जो जीन रहता है वो फ्लावरिंग रिप्रेसर, डाउन रेगुलेटेड बाय वर्नलाइजेशन। एंड यहाँ पे आपके पास VRN2 भी होता है और VRN1 और 3 भी होता है, जो कि ये जो तीनों जीन्स हैं दीज आर एक्टिवेटेड बाय वर्नलाइजेशन। तो जब आपकी वर्नलाइजेशन होगी यानी कि लो टेम्परेचर मिलेगा, तभी ये एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। सो केस वन अगर हम बात करते हैं कि अगर वर्नलाइजेशन नहीं होती है, लो टेम्परेचर नहीं मिलता है, तो FLC क्या रहता है, एक्टिवेट रहता है। FLC जो है इट इज़ द रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग। अगर ये ज़्यादा एक्सप्रेस रहता है तो आपकी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो FLC एक्टिवेट होता है विच इज़ अ रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग। तो अगर वर्नलाइजेशन यानी कि लो टेम्परेचर नहीं मिला तो FLC एक्टिवेट हो गया। FLC एक्टिवेट होने के बाद FT जीन, FD जीन और SOC SOC1 को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, उनके एक्सप्रेशन को रोक देता है। FT जीन आपका लीव्स के अंदर, FD जीन आपके शूट एपिकल मेरिस्टम के अंदर और SOC1 जीन भी आपका शूट एपिकल मेरिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो जब ये सारे के सारे जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन इनहिबिट हो जाता है तो कोई फ्लावरिंग नहीं होती है, कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। केस टू में अगर हम देखें, विच इज़ कि अगर वर्नलाइजेशन आपका हो जाता है, तो वर्नलाइजेशन होने से यानी कि लो टेम्परेचर मिलने से FLC जो है वो इनएक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर आपके जो V13 और VRN1 है वो एक्टिवेट हो चुके हैं, FLC रिप्रेस हो चुका है, तो आपकी फ्लावरिंग जो है वो यहाँ पर हो जाती है। सो अगर हम इसके एग्जांपल्स की देखें तो कुछ ऐसे फूड प्लांट्स होते हैं जो कि जिनकी स्प्रिंग या फिर विंटर वैरायटी होती है, जहाँ पे स्प्रिंग वैरायटी जो होती है उसको हम टिपिकली स्प्रिंग सीजन में प्लांट करते हैं।
एंड हेंस ये जो फ्लावर करते हैं प्रोड्यूस ग्रेन्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। हाउएवर जो आपकी विंटर वेराइटी होती है उसको हम प्लांट करते हैं ऑटम के अंदर और ये जर्मिनेट होते हैं विंटर में, तो दे ग्रो इन द स्प्रिंग एंड इज़ हार्वेस्टेड इन द समर। तो बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं दे रिक्वायर 2 ईयर्स फॉर फ्लावरिंग, क्योंकि वो ग्रो करते हैं स्टेम लीव रूट इन द फर्स्ट ईयर, एंड फॉर द कोल्ड मंथ्स वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, जब ठंडा होता है तो वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, और इन द सब्सिक्वेंट मंथ इट रिक्वायर्स अ पीरियड ऑफ कोल्ड ऑफ वर्नलाइजेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग। ग्रेजुअली जो बाइनियल प्लांट होते हैं दे फ्लावर प्रोड्यूसिंग द फ्रूट्स एंड इन द फॉलोइंग समर स्प्रिंग दे डाई। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कैबेज, कैरेट्स और आपके शुगर बीट्स। सो जो गार्लिक है उसको प्लांट किया जाता है विंटर में एज उसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए रहता है। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा लो नहीं रहता, डज नॉट शेप द बल्ब्स, विंटर वीट डज नॉट ब्लॉसम एंड फ्रेम ग्रेन इन द विंटर सीजन। ओके, अब वर्नलाइजेशन आपके कौन कौन से फैक्टर्स से इफ़ेक्ट हो सकती है, एज क्या है प्लांट की, साइट ऑफ वर्नलाइजेशन, प्रोविजन ऑफ सूटेबल लो टेम्परेचर, आप अच्छे से उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ बीइंग एक्सपोज, कितनी देर तक, कितने दिनों तक आप उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, और वाटर। जैसे कि आपके पास बार्ली, ओट और वीट है, तो उसको हम, उसकी दो वैरायटीज़ होती है, स्प्रिंग वैरायटी और विंटर वैरायटी। स्प्रिंग वैरायटी को हम स्प्रिंग सीजन में सो करते हैं, बोते हैं, और विंटर वैरायटी को हम जब विंटर की शुरुआत होती है उससे पहले उसको थोड़ा सा जब, मतलब जब ऑनसेट होता है विंटर का तब उसको सो करते हैं और उसको मिड समर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं जैसे शुगर बीट, कैबेज और कैरेट की बात हमने की थी, वो अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। तो अगर उनको लो टेम्परेचर दिया जाए तो बाइनियल प्लांट्स जो है उनको एनुअल प्लांट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बेनिफिट है वर्नलाइजेशन का। और मान लीजिए कोई विंटर क्रॉप है, कोई आपके पास क्या है विंटर क्रॉप है जिस जो कि लो टेम्परेचर पे ही ग्रो करती है, हम उसे समर सीजन में ग्रो नहीं करा सकते नॉर्मली, लेकिन अगर हम उस विंटर वाली क्रॉप को वो विंटर वाला टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, तो हम उसे समर में भी ग्रो करा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। ये काम लैब में हम कर सकते हैं या इनके कुछ अलग से एरियाज़ होते हैं, गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है, ताकि वो जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सके, वो फ्लावर कर सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वर्नलाइजेशन। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।